तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये एयर गन के ऊपर बना रहा हूं। फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी मेले में गए होंगे और वहां पे निशाना तो लगाए होंगे, एयर गन से बैलून फोड़े होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न तो आया होगा कि ये काम कैसे करता है, अंदर क्या है इसका। तो आज के इस वीडियो में आपका ये प्रश्न जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है इसका हम पार्ट पार्ट खोलेंगे और देखेंगे ये काम कैसे करता है। मगर फ्रेंड्स, इसको खोलने से पहले आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, बहुत ही सावधानी से आपको इसको खोलना होगा, क्योंकि इसमें बहुत हैवी एक स्प्रिंग लगा रहता है। ये देख रहे हैं, ये है बुलेट। ये मेटल का होता है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, जिसको लीड कहा जाता है। और इसको पहले खोल लेते हैं और बुलेट को वहाँ यहाँ डाल लेंगे, ये होल में, इस होल में डाल लेंगे। और देखिए, कहीं लीक नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ऐसा ना कि बुलेट का पीछे वाला जो पोर्शन है वो चपटा हो और एयर आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। और यहाँ एक ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हो, ये वाशर है, ये दिया जाता है कि एयर जो है लीक ना हो। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक लॉकर है, स्प्रिंग टाइप, ये एक लॉकर होता है। जब बैरल को सीधा करते हैं तो ये बैरल को जाकर लॉक कर देता है, सीधा रखता है। तो ये देखिए, काम नहीं किया, बुलेट नहीं निकला। तो बुलेट को किसी चीज़ से निकाल लेते हैं, इस तरह एक और बुलेट डालकर देखेंगे। एक और बुलेट को डालते हैं। ये जो एयर गन है काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ये ख़राब हो चुका है। ये देखिए, काम नहीं किया, बुलेट नहीं निकला। देखिए, बुलेट इसी में फंसा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं मोबाइल से बना रहा हूँ ये वीडियो, तो इसलिए इसका मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है। ये देखिए, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अब आपको आर पार दिख रहा होगा। देखिए, तो ये काम कैसे करता है इसको देखेंगे। इसका मुझे लगता है इसका वाशर ख़राब हो गया है, इसका जो कंप्रेसर पिस्टन जो है काम नहीं कर रहा है। तो इससे पहले, सबसे पहले ये हैंडल को खोल लेते हैं। ये नट बोल्ट खोल लिए और इसका वाशर जो था इसको भी निकाल लेता हूँ। अंदर का देखिए दोस्तों, ये इस तरह दिखता है, इस तरह से। ये बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा गंदा ये हो गया है, तो इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा। ये जो स्क्रू देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये स्क्रू को पहले खोलना होगा। स्क्रू को खोल लेते हैं और फिर इसका पीछे जो कैप लगा हुआ है, कैप को खोलना होगा। ये स्क्रू खोल लिया, अब देखिए इसके पीछे एक कैप लगा हुआ है, तो इस कैप को खोल लेते हैं पहले। इसके अंदर फ्रेंड्स एक छोटा सा पाइप होता है, जिसके सामने एक वाशर लगा रहता है और स्प्रिंग के सपोर्ट में वो स्प्रिंग उसको ढकेल के रखता है। देखिए इसमें किस तरह से लगाया हुआ है, अंदर एक वाशर पाइप में वाशर लगा हुआ है, फिर इसके बाद में एक स्प्रिंग लगाया हुआ है और स्प्रिंग के पीछे एक सपोर्ट दिया हुआ है बाटी कैप का तरह, कैप लगा करके और फिर रिबेट लगा दिया गया, ये रिबेट लगा दिया गया है। तो ये जो है देखिए, ये काम कैसे करता है, इसको जब हम लोग मोड़ते हैं तो अंदर जो पाइप है जिसमें, जो कि स्प्रिंग के सपोर्ट में है, स्प्रिंग जिसको प्रेस करके रखा हुआ है, तो उस पाइप में एक कील लगा हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है। उस कील को वो प्रेशर देता है पीछे की तरफ। ये सामने वाला जो बैरल देख रहे हैं, सामने वाला बैरल में देखिए एक नीचे की तरफ एक पत्ती, लोहे का एक पत्ती जोड़ा हुआ है, जो कि ये बॉक्स टाइप का, जो नीचे ट्रिगर के ऊपर जो बॉक्स टाइप का है, ये देखिए, ये ट्रिगर देख रहे हैं जो वहाँ पे एक, वहीं पे ये वो कील को पीछे की तरफ प्रेस करता है और स्प्रिंग को ढकेल करके पीछे की तरफ धक्का देकर ले जाता है और फिर ट्रिगर में लगा हुआ लॉक जो है उसको लॉक कर देता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कैसे काम कर रहा है, ये जो देख रहे हैं ये लॉक है, ट्रिगर में लगा हुआ है एक स्प्रिंग, छोटा सा स्प्रिंग देख रहे होंगे। ये जब इस तरह मोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग को पीछे की तरफ मोड़ता है और वाशर को पीछे की तरफ ढकेलता है,
और ये देखिए ये जो है यहीं से ये पीछे की तरफ ढकला, ये देखिए ये, तो इसको पीछे की तरफ ये देखिए इस तरह से ये ढकेलता है, और जब ये ट्रिगर इस तरफ आ गया ये कील, तो वो जो स्प्रिंग टाइप कील जो है लॉकर जो है वो सामने की तरफ चला जाता है और उसको लॉक कर देता है। अब जैसे ही ट्रिगर को दबाएंगे तो क्या होगा, वो स्प्रिंग टाइप जो है वो लॉक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो देखिए फ्रेंड्स क्या बताएं, अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया फ्रेंड्स। तो आप लोग बहुत ही सावधानी से इसको खोलें, बहुत ही सावधानी से खोलें। मेरा मोबाइल जो जहाँ जो मोबाइल से ये शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, मोबाइल में ये स्प्रिंग जाकर लगा, मोबाइल नीचे गिर गया फ्रेंड्स, और मोबाइल थोड़ा सा इसका डिस्प्ले टूट गया है। तो आप लोग बहुत ही सावधानी से खोलें, अगर आँख में लग गया, मुंह में लग गया, तो आपका ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है ये। तो ये काम कैसे करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये जो कील देख रहे हैं आप, ये जो कील देख रहे हैं, इसी को जब हम बैरल को मोड़ते हैं तो बैरल में लगा हुआ सपोर्ट इसको पीछे की तरफ ठेलता है, जो कि स्प्रिंग के प्रेशर में रहता है, आगे की तरफ उसको ठेल के रखता है, और जब इसको हम लोग पूरा मोड़ देते हैं तो आगे की तरफ आकर उसको वो लॉक कर देता है। तो इसका सपोर्ट जो है बैरल का, जिसके इसको भी खोल लेते हैं, जब इसको हम लोग मोड़ते हैं देखिए एक नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, वही जाकर उस कील को पीछे की तरफ ढकेलता है। तो ये इस तरह से देखिए ये बैरल जो है इस तरह से पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, ये देखिए ये काम कैसे करता, देखिए जब हम लोग मोड़ते हैं तो ये पीछे की तरफ आता है, इस तरह पीछे की तरफ आता है, और जब गोली चलाते हैं तो ये जो लॉक जो है खुल जाता है, और वो जो ये कील जो है वो आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि स्प्रिंग उसको लगातार ठेल के रखता है आगे की तरफ। तो इस तरह से ये काम करता है, जैसे हम लोग मोड़ते हैं तो वो कील को पीछे की तरफ ठेलता है, जैसे हम लोग मोड़ते हैं तो ये देखिए ये पीछे की तरफ ठेलेगा इस तरह, जैसे मोड़ते हैं पीछे की तरफ ठेलता है, ये इस तरह पीछे ठेलता है, पीछे ठेलेगा, और जैसे पूरा पीछे की तरफ पूरा चला जाएगा तो फिर ट्रिगर में लगा हुआ लॉक जो है वो सामने की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है ट्रिगर में। तो जैसे वो पीछे जाता है तो ट्रिगर में लगा हुआ स्प्रिंग में एक कील लगा हुआ है वो सामने की तरफ ढकेल देता है, जो कि फिर आगे सामने की तरफ उसको आने से रोकता है। और जैसे हम लोग ट्रिगर को दबाते हैं, ये जो देख रहे हैं छोटा सा स्प्रिंग देखिए, ये देखिए तो छोटा सा स्प्रिंग में एक कील लगा हुआ वो उसको रोक देता है, और जैसे ट्रिगर को दबाते हैं वो कील जो है नीचे की तरफ जाता है, ये देखिए ये इस तरह से नीचे की तरफ जाता है, और जैसे ही नीचे जाता है तो वो फ्री हो जाता है, जिससे नीचे जाएगा देखिए दोस्तों, ये देखिए ये इसको स्प्रिंग से ठेला हुआ रहता है आगे के सामने की तरफ, फोर्सफुली ठेल कर रखता है, अभी रुका हुआ है क्योंकि ट्रिगर को दबाया नहीं है, क्योंकि इस पर आ गया है और लॉक लग गया हुआ है। तो जैसे ही ट्रिगर को दबाएंगे, जैसे ही ट्रिगर को दबाएंगे तो वो लॉक जो है नीचे की तरफ जाएगा, और ये कील जो है पाइप में लगा हुआ जिसमें वाशर लगा रहता है, जिसमें जो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है पिस्टन, वो नीचे जाता है और ये क्लियर हो जाता है। जैसे ही क्लियर होता है तो स्प्रिंग जो है फोर्सफुली उसको आगे की तरफ ढकेलता है, और हवा का प्रेशर से फ्रेंड्स एयर इतना कंप्रेस हो जाता है कि बुलेट को बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ फेंक देता है। तो इस तरह काम करता है, जैसे ही ट्रिगर को दबाएंगे ये इस तरह, जैसे ट्रिगर को दबाया ये देखिए, और ये क्लियर हो गया, अब नीचे की तरफ चला गया देखिए, तो ये देखिए ये ट्रिगर को दबाते ही ये ट्रिगर को दबाने से ये क्लियर हो जाता है, ये जो कील है जिसमें वाशर लगा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ये कील जो है ये जो देख रहे कील ये देखिए ये अभी रुका हुआ, अभी नहीं जा रहा, क्योंकि कील में जो लगा ट्रिगर में जो लगा हुआ है लॉक वो उसको ब्लॉक कर रहा था, जैसे ही ये क्लियर हुआ तो वो आगे की तरफ चला गया, और स्प्रिंग जैसे ही क्लियर होता है तो वो आगे की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि पीछे से पूरा फोर्सफुली स्प्रिंग जो है उसको आगे की तरफ ढकेला हुए रखता है, ठेलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से ये काम करता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, थोड़ा सा इसमें जंग वगैरह कुछ लगा हुआ है, पुराना हो चुका बहुत, ये देखिए ये है, यही है मेन इसका, इसी के
अंदर स्प्रिंग लगा करके और फिर पीछे से कैप लगा करके और रिवेट किया हुआ रहता है। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं इसमें है सामने इसकी ये जो पाइप देख रहे हैं छोटा वाला, ये जब हम लोग मोड़ते हैं तो इसी जो नीचे पाइप रखा हुआ है उसी को ये पीछे की तरफ ठेलता है। और ये जो पाइप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक होल किया हुआ छोटा सा होल ताकि हवा को कंप्रेस करके एक ही बार में बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ फेंके। तो इस पाइप में एक होल है और इसका और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इस पाइप के अंदर एक छोटा सा पिस्टन वाला पाइप रहता है, ये वाला पाइप जिसमें कि कील लगा हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है, इसी कील को पीछे ढकेलता है फ्रेंड्स। और ये सामने वाशर लगा रहता है, स्क्रू तो है जिससे टाइट किया जाता है वाशर, मगर वाशर नहीं है। तो मुझे जाना होगा मार्केट और देखते हैं अगर पंप स्टॉप वाला अगर वाशर काम में आ जाए, इसका तो वाशर मिलना मुश्किल है, मगर पंप वाला अगर पंप स्टॉप वाला अगर वाशर मिल जाए लग जाए तो ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है फंक्शन इसका, इस तरह मैकेनिज्म है, ये जो पिस्टन जो है इसी पाइप के अंदर रहता है और यहाँ सामने की तरफ एक सॉलिड लोहा है जिसको कि ग्रुप काट दिया गया है, और ग्रुप काटने के बाद ये जो ग्रुप काटा हुआ है इसी में बैरल रहता है और ये रिबेट यहाँ पे ये होल किया हुआ है इसमें, ये रिबेट के थ्रू इसको ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि ये मूव होता रहे, मूव होगा तभी पिस्टन को पीछे की तरफ ठेलेगा, ये जो पिस्टन है इसी को पीछे की तरफ ठेलेगा। तो यहाँ पर सामने की तरफ वाशर रहता है जो कि एक बैक सामने की तरफ जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो सामने की तरफ आता है और हवा को कंप्रेस करके तेज़ी से बाहर की तरफ फेंकता है। तो इसका स्क्रू पहले खोल लेते हैं, खोलकर जाते हैं मार्केट और मार्केट जाकर इसका वाशर देखते हैं मिलता है कि नहीं। मुझे तो लगता है नहीं मिलेगा, मगर पंप वाला अगर पंप स्टॉप वाला अगर वाशर काम में आ जाए तो लगा देंगे इसमें। तो मैं जाता हूँ मार्केट और तब तक आप एक काम करें, आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नया नया वीडियो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंटरटेनमेंट वाला इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो बने रहे मेरे वीडियोज़ के साथ, मैं चलता हूँ मार्केट। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। और फ्रेंड्स मैं मार्केट से आया और मार्केट में मुझे इसका तो इस साइज़ का नहीं मिला, इस साइज़ का मतलब इसका तो वाशर ही नहीं था, मगर मुझे एक वाशर मिला है जो पंप स्टॉप का होता है। तो ये हल्का छोटा है तो मुझे नहीं लगता ये पूरा परफेक्ट काम करेगा, देखते हैं पहले। ये और थोड़ा सा 1 से 1.5 mm अगर और बड़ा होता तो ठीक था, और 1.5 mm बड़ा होना चाहिए इसको वाशर को। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लूज है और थोड़ा सा, तो कोशिश करते हैं तो इस तरह फैला करके, अगर इस तरह से नहीं फिर भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स तो इसमें स्प्रिंग को डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पहले लगा कर देखते हैं कैसे काम करता है। और स्प्रिंग के पीछे फिर कैप लगा देते हैं और इन सभी को अंदर डाल करके फिर रिवेट कर लेंगे। तो इस तरह मैं ये देखिए इसके अंदर वो पहले पाइप जिसमें कि वाशर लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर से स्प्रिंग और फिर कैप लगा करके रिपीट कर दिया हूँ, और कैप भी लगा दिया और इसका अब हैंडल लगा लेते हैं और फिर देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। 100% तो काम नहीं करेगा मगर फिर भी काम करेगा दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स काम कर रहा है, गोली तो निकल रहा है, जो इसका बुलेट है वो निकल रहा है पर उतना फोर्सफुली नहीं निकल रहा है। अगर इसका वाशर और थोड़ा बड़ा होता तो वो परफेक्ट काम होता। एक बार और टेस्ट करते हैं, देखिए ये मैं ये देखिए ये काम कर रहा है मगर कम काम कर रहा है, और ज़्यादा इसका पावर से काम करना चाहिए था। तो इसमें अभी एक काम करेंगे, पहले जो वाशर है वहाँ पे ऑयल डालेंगे ताकि वाशर को थोड़ा जाम कर दे। तो फ्रेंड्स मैं ऑयल डाल दिया हूँ, ऑयल वगैरह ऑयलिंग कर लिया हूँ, अब एक बार ट्राई करते हैं कि अभी तो ज़्यादा उम्मीद है थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं बुलेट डाल दिया इसमें और ये मैं एक ये देखिए ये अभी अच्छा काम कर रहा है, मगर वाशर अगर बड़ा होता तो और अच्छा काम करता है।